में राज्य कर्मचारी संघ का वार्षिक चुनाव संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ का प्रांतीय चुनाव 16 अप्रैल 2022 को चौधरी चरण सिंह सभागार सिंचाई भवन एनएक्सी लखनऊ में संपन्न हुआ। सम्मेलन में सर्वसम्मति से अजय सिंह को राकेश कुमार चौधरी को कार्यवाहक अध्यक्ष एवं राजेश कुमार सिंह को महामंत्री चुना गया। उत्तर प्रदेश फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रिंग सर्विस एसोसिएशन में प्रांतीय अध्यक्ष कतार सिंह को महामंत्री व उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी महासंघ के राम सुरेश अध्यक्ष उमेश कुमार भारती कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया व द्वारका प्रसाद पांडे को महामंत्री चुना गया। संगठन के उपाध्यक्ष मंत्री संगठन मंत्री संयुक्त मंत्री कोषाध्यक्ष कार्यालय सचिव मीडिया प्रभारी भी निर्विरोध निर्वाचित हुए। कार्य कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर विशेषकर पुरानी पेंशन बहाली संविदा आउटसोर्सिंग कर्मचारी निमित्त दिए जाने वाले वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में सेवा को जोड़कर पेंशन लाभ दिए जाने मेट पद धारकों को ग्रेड पे 1900 वर्क सुपरवाइजर पद का धारक का ग्रेड पे 2800 दिए जाने तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के स्थानांतरण जनपद से बाहर न किए जाने व प्रोन्नत कोटा पूर्ण किए जाने रिक्त पदों को भरे जाने सहित अनेक मुद्दों पर गहन चर्चा कर आंदोलन की रणनीति तैयार की गई जिसमें अगले चरण में आंदोलन की घोषणा की गई। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ का चुनाव संपन्न हुआ जिसके अशोक कुमार वाल्मीकि प्रदेश महामंत्री अमरोहा अजय सिंह संरक्षक लखनऊ उमेश कुमार भारती प्रदेश अध्यक्ष शाहजहांपुर भारी संख्या में पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित रहे। अशोक कनौजिया लखनऊ समाचार 24। प्रदेश राज कर्मचारी महासंघ प्रदेश चतुर्थी राज कर्मचारी महासंघ मिनिस्ट्रियल फेडरेशन एवं उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत राज सफाई कर्मचारी संघ का अधिवेशन का चुनाव संपन्न हुआ है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए हैं। उन प्रस्तावों में जो संगठन के संज्ञान में आया है कि तृतीय श्रेणी के स्थानांतरण की योजना ऑनलाइन के माध्यम से बन रही है उसका विरोध किया गया है और स्वास्थ्य महानिदेशालय में अपर निदेशक प्रशासन डॉक्टर गणपति रामास्वामी जी जो कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हुआ है और आने वाले समय में उनके खिलाफ एक आंदोलन किया जाएगा। निंदा प्रस्ताव पूरे प्रदेश से पारित होगा और उनके खिलाफ जांच बैठाने आदि कार्रवाई करने के लिए भी शासन को पत्र लिखा जाएगा और जो भी कर्मचारियों की ही सहमति मांगे हैं उसके बाद में हम लोग अपना मांग पत्र बनाएंगे और शासन को उसको अवगत कराएंगे। शासन यदि वार्ता या बातचीत बुलाता है तो उनसे बात करेंगे, नहीं तो आने वाले समय के लिए एक महासंघ एक बड़ा आंदोलन करेगा। धन्यवाद। स्थानांतरण नीति जो बन रही है समुदाय के लिए स्थानांतरण नीति जो बन रही है तीन साल लगन के समुदाय कर्मचारी को जिलों में ही रखा जाए क्योंकि जिले के पास और हमारे कहीं बाहर कोई आवास नहीं ना कुछ है होता है तो हमारे जो मुंबई के तहत हमको जिले में ही हमारी प्रतिस्थापना ही की है और दूसरी बात जो आज जिम्मेदारी मिली है जिम्मेदारी तहत मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रदेश कर्मचारियों ने मेरे को जिम्मेदारी दी है मिनिस्ट्री कर्मचारियों ने मैं उनकी उम्मीदों में खड़ा उठूंगा और जो हमारा जो सबसे बड़ी संगति है जो हम लोगों का 4200 के बाद 4800 होना चाहिए 4600 इग्नोर होना चाहिए वो 4600 इग्नोर किया जाए और हमारे कर्मचारियों को 4800 के रेट पे 4200 के बाद सीधे एसीपी के तहत 4800 या पेंशन पर दिया। 30 तारीख को कोई आंदोलन करने वाले हैं आप लोग अभी अपने 30 तारीख को आंदोलन नहीं हमारा आंदोलन 30 तारीख को 30 मई को पूरे प्रदेश में ज्ञापन होगा जो हमारे क्या कहते हैं स्वास्थ्य महानिदेशालय के डीजी है जो अलोकतांत्रिक है उनके खिलाफ पूरे प्रदेश से ज्ञापन दिया जाएगा और निंदा प्रस्ताव पारित किया जाएगा। मथुरा के अड़ी में चार